नमस्कार साथियों, आज हम एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। विषय यह है कि जब पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है तो वह व्यक्ति उसकी फिर जमानत करवानी पड़ती है, तो उसकी जमानत होने के बाद में वह व्यक्ति कब जेल से बाहर आ जाता है, कितना समय लगता है, क्या परिस्थितियां होती है, उनके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अब इससे पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। और इसके साथ साथ आप adv.mukeshbagadiyavlogs के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं, जैसे पुलिस ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, अब सबसे पहले हम ये देखेंगे क्योंकि उसे उसकी जमानत करवानी है, तो पहले उसे किस आरोप में, किस अपराध में पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, 151 में गिरफ्तार किया है या किसी 343-47 के मैटर में किया है या कोई बड़े मैटर में किया है। अमूमन 7 साल से छोटे के जो मामले होते हैं, सजा के मामले जिनमें 7 साल तक की सजा हो, उनमें पुलिस अरेस्ट नहीं करती, 41A का नोटिस देती है। 151 में पुलिस अरेस्ट करती है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करती है, फिर उसकी जमानत तुरंत हो जाती है, 24 घंटे के भीतर भीतर पेश करना पड़ता है अरेस्ट करने से पहले, सभी मामलों में किसी भी कैटेगरी के मामले हो। तो जैसे 151 में अरेस्ट किया, 151 में अरेस्ट करते ही उसे जैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जो भी मुचल के बेल जमानती मांगे उन्होंने, तो जमानती अगर पेश कर दिया गया तो ऐसी दशा में तुरंत प्रभाव से उनकी बेल हो जाती है, अब उनको जेल जाना नहीं पड़ेगा। अब वहीं परिस्थिति विपरीत आ जाती है जुडिशरी कोर्टों में। अब वहीं परिस्थिति जो विपरीत आती है जुडिशरी कोर्टों में वो क्या है, तो जुडिशरी कोर्टों में क्या है कि जैसे ही आरोपी को पेश किया जाता है कोर्ट के समक्ष, अब उसकी बेल बेल पे आर्ग्यूमेंट होते हैं, हो सकता है उस बेल को दूसरे दिन पे रख दिया जाए मजिस्ट्रेट के द्वारा, तीसरे दिन पे रख दिया जाए या सेम डे उस पे ऑर्डर कर दिया जाए। अगर ऑर्डर नहीं किए तो आरोपी कोर्ट में पेश हो चुका है, बेल एप्लीकेशन लग चुकी है जेसी में गया तब, फिर भी उसके बाद भी अगर ऑर्डर नहीं आया तो फिर जेल में जाना ही है, तो जेसी में चला जाएगा। अगर जमानत पे ऑर्डर हो चुके हैं, आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने हैं, अगर आरोपी की ओर से कोई भी जमानती जब कोर्ट ने मांगे हैं, जो भी जमानती मांगे हैं वो मुचल के तस्दीक करवा देते हैं, तो उसी समय आरोपी रिहा हो जाता है जेसी से, जुडिशियल कस्टडी से, पुलिस की कस्टडी से रिहा है, जेल में जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं आरोपी जेल में है और फिर उनकी बेल एप्लीकेशन लगी है, तो अब ऐसी दशा में उनके जो भी कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं उसी तरीके से जमानत मुचल के तस्दीक होंगे कोर्ट में। अब एक सबसे बड़ी चीज़ आप ध्यान रख लें, जमानत मुचल के तस्दीक होंगे, तस्दीक होने के बाद वो जेल में जाएंगे, कोई व्यक्ति लेके जाएगा जो भी कोर्ट का कर्मचारी है, या फिर मेल से जाएंगे, फिर वहाँ उनके साइन होंगे, फिर वो जेल से बाहर आएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, हमेशा लोअर कोर्ट में, जिस कोर्ट में सर्वप्रथम फाइल आती है साधारण शब्दों में, तो उसी कोर्ट में जमानत मुचल के तस्दीक होते हैं, चाहे हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से ही बेल क्यों नहीं ग्रांट हुई हो उसमें। अब जैसे ऊपर के कोर्ट से, जैसे DJ स्तर के कोर्ट हैं या फिर हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट से मान लो कोई बेल हुई है हाई कोर्ट या DJ से, तो फिर लोअर कोर्ट में आना पड़ेगा तस्दीक कराने। अगर इनकी दूरी ज़्यादा है तो फिर आपको समय लग सकता है। तो जैसे मान लो हाई कोर्ट में कोई बेल एप्लीकेशन लगी है, आरोपी पहले से जेल में है, कोर्ट ने ग्रांट कर दी बेल एप्लीकेशन, फिर उसका ऑर्डर प्राप्त करोगे, अगर ऑर्डर सेम डे मिल जाता है ठीक है, अगर नेक्स्ट मिलता है या एक दिन लग जाता है तो फिर एक दिन वो जेल में रहेगा, फिर आप आओगे लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट की दूरी ज़्यादा है या किसी कारण से आपके पास जमानती की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी दिक्कत है, तो मुचल के तस्दीक नहीं हुए जमानत मुचल के, तो फिर ऐसी दशा में वो समय भी काउंट होगा और तब तक जेल में ही रहेगा आरोपी। यानी कि जब तक जमानत मुचल के आरोपी की ओर से तस्दीक नहीं हो जाते हैं तब तक आरोपी जेल में रहता है, जमानत होने के बाद भी, तो उसके बाद छोड़ दिया जाता है। केवल कोर्ट का ये ऑर्डर देना कि हाँ इस व्यक्ति को, जो भी आरोपी है उसे मैं रिहा करता हूँ जमानत के आधार पर, जमानत का लाभ देता हूँ, आरोपी जेल से बाहर नहीं आ जाता है। जो कोर्ट ने शर्तें डाली हैं वो पूरी होती है, उसके बाद आरोपी बाहर आता है, और वो भी जो कानूनी प्रक्रिया जो मैंने बताई है फॉर्मेलिटीज डॉक्यूमेंट के माध्यम से वो करनी होती है पूरी, उसके बाद आता है। तो मेरे ख्याल से आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया होगा।